विराट कोहली क्रिकेट के सुपरस्टार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे चौथे टेस्ट में विराट ने शानदार शतक लगाया है और टेस्ट क्रिकेट में चल रहे 39 महीने के शतक के सूखे को खत्म किया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान ने इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ 2019 में शतक जड़ा था। कंगारुओं के खिलाफ टीम इंडिया को ऐसी एक पारी की जरूरत थी और विराट ने टीम के लिए ये काम कर दिखाया है। इससे पहले शुभमन गिल ने भी उनका साथ अच्छे से निभाया था और उन्होंने भी शतक जड़ा था। पिछले तीन टेस्ट की 5 पारियों में 22.20 की औसत से 111 रन बनाने के बाद विराट पर सवाल उठ रहे थे। हालांकि क्रिकेट के एक्सपर्ट्स को साफ नजर आ रहा था विराट कंट्रोल में हैं और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। ऐसी पिचेस जिस पर हर बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहा था, विराट संतुलित दिख रहे थे। उन्होंने दिल्ली और नागपुर में सधी हुई पारियां खेली थी पर बड़ा स्कोर नहीं बन सका था। 241 बॉल में आया ये शतक काबिले तारीफ है और तारीफ भी खूब हो रही है। पूर्व क्रिकेटर्स, कमेंटेटर्स सब ने विराट के लिए कुछ न कुछ खास लिखा है। एक एक करके बताते हैं। इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन माइकल वॉन से शुरू करेंगे। वॉन ने लिखा, विराट को टेस्ट शतक लगाते हुए देखकर अच्छा लगा। उन्हें बैटिंग करते हुए देखना मुझे बहुत पसंद है। 3 साल से ज़्यादा हो गए थे शतक आए हुए। मेरा अंदाज़ा है इसके बाद कई सारी सेंचुरीज आएंगी। वैसे हर इंडियन फैन यही चाहता है वॉन भाई। आगे बढ़ते हैं। कमेंटेटर हर्षा भोगले ने लिखा, धैर्यपूर्ण पारी, आखिर उस लंबे इंतजार का अंत हो ही गया। आकाश चोपड़ा ने भी विराट की तारीफ की। उन्होंने ताली बजाने वाली इमोजी के साथ लिखा, #75 वेल प्लेड विराट। पूर्व वेस्ट इंडीज क्रिकेटर यान बिशप ने भी विराट के लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने लिखा, वेलकम बैक विराट कोहली, ये टेस्ट सेंचुरी हर किसी को पसंद आएगी, #28। संजय मांजरेकर, पूर्व इंडियन क्रिकेटर, ने 2016 को याद करते हुए एक खास बात लिखी है। उन्होंने लिखा, एक ऐसा प्लेयर जिसने IPL के एक सीजन में 1000 रन बनाए हों, वो भी लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से, उस आदमी के लिए सिर्फ 5 चौकों के साथ टेस्ट शतक जड़ना दिखाता है कि बतौर बल्लेबाज विराट में कितनी गहराई है, कितनी डेप्थ है। विराट मेंटली सबसे मजबूत बल्लेबाजों में से एक है। वसीम जाफर ने भी ट्वीट करके कोहली की तारीफ की है। उन्होंने सुपर हीरो थॉर का हथौड़ा शेयर किया जो खुल गया और उसमें से एक और हथौड़ा निकला। जाफर ने इसके साथ लिखा, विराट कोहली ऐसे ही बल्लेबाज हैं, उनके पास ताकत है और टूल्स भी हैं, उन्हें पता है कब किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। शानदार प्रदर्शन विराट। मैच की ओर चलते हैं। विराट ने पहले शुभमन गिल के साथ 57, फिर जड्डू के साथ 64 और फिर शिखर भरत के साथ 84 रन की साझेदारी बनाई। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में ये विराट का 75वां शतक है। टेस्ट क्रिकेट में विराट ने इससे पहले नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ शतक जड़ा था। यानी टेस्ट क्रिकेट में लगभग 3.5 साल के गैप के बाद विराट के बल्ले से सेंचुरी आ गई है। इस लिस्ट में विराट के आगे सिर्फ सचिन हैं जिन्होंने ऑल क्रिकेट में, मतलब हर फॉर्मेट में, 100 शतक जड़े हैं। विराट ने सदी हुई पारी खेली और शतक पूरा करने में सिर्फ 5 चौके लगाए। ये उनका दूसरा सबसे धीमा शतक है। इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2012 में 289 बॉल में अपना शतक पूरा किया था। विराट ने 41 टेस्ट पारियों के बाद ये शतक जड़ा है। शतक के लिए इससे लंबा गैप उनके टेस्ट करियर में अब तक नहीं आया था, पर अब वो गैप भर चुका है। एक और रिकॉर्ड इतने सारे बताएं तो ये भी जान लीजिए, किसी भी एक टीम के खिलाफ शतक लगाने की लिस्ट में विराट top 5 में पहले से थे। उन्होंने अब ऑस्ट्रेलिया को भी इस लिस्ट में लेते आए हैं विराट। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों के खिलाफ 16-16 शतक लगाए हैं। इस लिस्ट पर सचिन तेंदुलकर सबसे ऊपर है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 शतक जड़े हैं। दूसरे नंबर पर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन आते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ ब्रैडमैन ने 19 बार सेंचुरी लगाई थी। तीसरे नंबर पर सचिन फिर से हैं जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 17 शतक जड़े हैं। यानी सचिन और विराट दोनों को ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से कुछ खास ही प्यार है। विराट की सेंचुरी की मदद से भारत ने 480 रन का आंकड़ा छू लिया है। दिन की शुरुआत में रविंद्र जडेजा 309 रन पर आउट हो गए थे। टॉड मर्फी ने उन्हें आउट किया था। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज शिखर भरत ने विराट के साथ निभाया था। भरत ने 44 रन की पारी खेली जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इसके बाद अक्षर पटेल ने विराट के साथ साझेदारी बनाई। वीडियो शूट होने तक अक्षर ने 35 और विराट ने 132 रन बना लिए थे। भारत ने 5 विकेट गंवाकर 480 रन बना लिए हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया के पास अब कोई लीड नहीं है। यहाँ से भारत जितना रन भी बनाती है वो सेकेंड इनिंग्स के लिए भारत के पास लीड होगी। नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत और आप फिलहाल ललन टॉप स्पोर्ट्स देख रहे हैं। यहाँ आपको टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिल जाती है। इसके साथ साथ हम आपके लिए ढेर सारे इंटरव्यूज़ और किस्से भी लेकर आते रहते हैं। इंटरव्यू की बात करते हुए बता देते हैं, एक BCCI सेलेक्टर का इंटरव्यू हमने किया है जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसमें उन्होंने MS धोनी, युवराज सिंह, बहुत सारे पूर्व क्रिकेटर्स, स्टार क्रिकेटर्स के बारे में बहुत सारी दिलचस्प कहानियां बताई हैं।
आप हमारे चैनल पर जाकर वो सुन सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। शुक्रिया।